टीवी एक्ट्रेस तनुषा शर्मा ने 24 दिसंबर 2022 को अलीबाबा दास्तां काबुल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक्ट्रेस की मां ने एक्स बॉयफ्रेंड शिजान खान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिजान के वकील ने दावा किया है कि तनुषा का अपने परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं थे। यही नहीं, एक्ट्रेस की मां ने उसका गला दबाया था। शिजान खान के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसकी मां ने तनुषा का गला दबाया था। तनुषा ने उस वक्त जिस सीरियल में काम कर रही थी उसके डायरेक्टर को भी ये बात बताई थी। इसके अलावा उन्होंने संजीव कौशल का भी जिक्र किया जो उनकी मां के दोस्त हैं। वकील का कहना है कि तनुषा संजीव से डरती थी। संजीव की वजह से तनुषा को एंजाइटी इशू थे और इसी वजह से वो अपने दोस्त कंवर ढिल्लों के साथ 3 महीने तक रुकी थी। शिजान के वकील का ये भी दावा है कि तनुषा की मेहनत की कमाई उसकी मां अपने पास रखती थी और वो उन्हें एक भी पैसा नहीं देती थी। अपने पैसों को तनुषा को अपनी मां के सामने बार बार मांगना पड़ता था। यहां तक कि उनकी मां वनिता शर्मा पैसों के लिए तनुषा से काफी सवाल जवाब करती थी। बता दें कि तनुषा की मां वनिता शर्मा ने शिजान के परिवार पर गंभीर आरोप लगाया था कि वो तनुषा को उर्दू सिखा रहे थे और उस पर धर्म बदलने का प्रेशर बना रहे थे। साथ ही ये भी कहा था कि तनुषा उनके परिवार को महंगे महंगे गिफ्ट देती थी, शिजान की बहन के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करती थी। यहाँ तक कि तनुषा की माँ ने शिजान के परिवार पर एक्ट्रेस को इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल शिजान इन दिनों न्यायिक हिरासत में है।